हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप। आज मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करने वाली हूँ वो है कैसे आप घर पर पार्लर जैसी ब्लीच कर सकते हैं। तो ये जो ब्लीच है ये मैं आपको बताने लगी हूँ, बहुत ही अमेजिंग ब्लीच है और इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हैं। और ये अमेजिंग सा तरीके से अगर आप ब्लीच करेंगे तो चाहे आपकी स्किन सेंसिटिव है, नॉर्मल है, कम्बिनेशन है, जैसी भी आपकी स्किन है आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब मेरी स्किन सेंसिटिव है और मैं भी स्किन ब्लीच को जब अप्लाई किया तो मुझे भी इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिले। तो मैंने इसमें ऐड किया है 1 स्पून ऑफ ड्राई मिल्क, कुछ दूध लेना है आपने 1 चम्मच, ठीक है, और खुश्क दूध के अंदर आपने ये ब्लीच जो है वो बनानी है। तो 1 चम्मच मैंने खुश्क दूध लिया है। अब उसके अंदर आप डालेंगे ब्लीच, जितनी भी आपको ब्लीच की ज़रूरत है, जितनी आप ब्लीच करना चाह रहे हैं। अगर आपने सिर्फ हाथ पाँव पे करनी है और फेस पे करनी है तो मैं इतनी सी ब्लीच अपने हाथ पाँव फेस पे भी कर लेती हूँ। तो मैंने इसमें ऐड किया है सबसे पहले ड्राई मिल्क, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लीच, और इसके बाद हम इसमें जो है मैंने जोलन ब्लीच ली है क्योंकि ये ब्लीच स्किन के लिए बहुत ही अमेजिंग है, इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सूथिंग लोशन। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ बहुत ही अमेजिंग लोशन है ये, इसको ऐड करने से आपकी स्किन पर रैश नहीं होता, रेडनेस नहीं होती और ब्लीच के साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते। बहुत अमेजिंग लोशन है ये सूथिंग लोशन, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। चाहे आप मैनीक्योर कर रहे हो, पेडीक्योर कर रहे हो या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, इसको आप ज़रूर ऐड करें अपनी ब्लीच में। ये उसकी अफादियत को जो है मज़ीद बढ़ा देता है, बेनिफिट उसके इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है ना। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लीचिंग पाउडर। बस ये इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं। अब इसमें मैंने ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर दिया है क्योंकि जितनी भी आपने 1/4 हम ऐड करते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो अगर इसमें आप ब्लीचिंग पाउडर की क्वान्टिटी अकॉर्डिंग टू दिस मिक्सचर जो भी आपने चीज़ें ली हैं उसका 1/4 ले लेंगे आप इसका ब्लीचिंग पाउडर, तो अमेजिंग ही रिजल्ट देगा, बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्लीच बन जाएगी। क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर ऐड किया है, मिल्क पाउडर जो है वो स्किन की वाइटनिंग के लिए, स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए, चमकदार बनाने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और इसके साथ हमने इसमें सूदिंग लोशन ऐड किया है, वो भी रेडनेस को ख़त्म करता है, ड्राइनेस स्किन पर हो जाए या ब्लीच की वजह से कोई भी जो आपको रैशेज वगैरह हो जाते हैं वो सूदिंग लोशन से नहीं होंगे। और बिलीव मी के मेरी जो है वो स्किन पर थोड़ा सा रैश था लेकिन फिर भी ब्लीच करने से मुझे ज़रा भी चुभन नहीं हुई, इरिटेशन नहीं हुई और उसके बाद मुझे रेडनेस भी बिल्कुल नहीं हुई। और इसके मुझे इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले कि मैं बहुत ही खुशी के साथ इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट थे और मुझे इसको अप्लाई करके बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है तो ब्लीच जो है बहुत कम सूट करती है, लेकिन जब मैंने इस तरह से ब्लीच बनाई तो इससे इतने अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं कि बिलीव मी, बहुत ही ज़बरदस्त जो ये ब्लीच बन गई थी। और ये पार्लर जैसी ब्लीच जो है अमेजिंग से रिज़ल्ट आपको घर पर देगी। तो हम इसको आपने जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी आप ब्लीच बनाएं तो उसको अच्छे से मिक्स करें, इतने अच्छे से आपने मिक्स करना है कि जो आपने ब्लीचिंग पाउडर अंदर ऐड किया है उसका एक भी ज़रा जो है वो मेल्ट हुए बगैर ना रहे, उसको अच्छे से मिक्स करना है कि वो सब के सब मेल्ट हो जाएं। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये आपका मिक्सचर तैयार है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, स्टे ट्यून।